गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कल के व्लॉग का पता नहीं इख्तिताम ही नहीं किया था, ऐसे ही सो गए। इजाज़ भाई लोग अभी निकलने लगे हैं, 5:40 होंगे और अब आज से ये लोग मुझे अकेला छोड़ के चले जाएंगे। फिर उसके बाद मैं आज इधर ही हूँ गिलगित में और गुजार बन गया पीछे से बता रहे हैं लोग। सारी पैकिंग जो है हो गई है। मैंने क्या किया कि मैंने अपना पेंसिलेटर का जो बैग है और अपना कैंप वो इजाज़ भाई को दे दिया है। अपना बोझ ये ले जाएंगे और मेरी बाइक जो है ना वो लाइट हो जाएगी। यस, बॉयज आर गेटिंग रेडी। मुझे अकेला छोड़ रहे हो, बार बार अफसोस हो रहा। एक अंकल अभी मिले थे, वो कह रहे थे कि शिखर जाएं, खपलू जाएं, और क्या था, खरमंग फॉल, वहाँ फॉल। अब तो वहाँ फॉल क्या चल रही है, नहीं हो रही। हाँ, लेकिन हो सकता है। तो एक एक दिन का ये सारा कुछ कैसे होगा। एक एक दिन सर्दी बढ़ती जा रही है और मैंने वापस भी जाना है सिंदूर के रास्ते चित्राल। पता नहीं मैं हमजा को टच करता हूँ कि नहीं करता, बट स्टिल इट वुड बी एन ऑल पाकिस्तान टूर इन द एंड। अगर नहीं भी होता टच तो स्टॉक जीएस के ऊपर सारा सामान लाद लिया। कोई स्टैंड नहीं है, कोई बॉक्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इन दोनों की ना हिम्मत। हवा चेक हो रही है, हवा 28 है। ये बैग मेरा, इसके अंदर मेरा सामान है। इजाज़ भाई ने भी अपना सामान इसमें स्टफ कर लिया और मेरा जो कैंप है वो अब्दुल्ला लोगों के बैग में, यूएस ओपन के, क्योंकि मैं कैंपिंग नहीं कर रहा। वो सख्त सर्दी है और मेरे पास डेड वेट था जिसको हमने एलिमिनेट कर दिया है। अब मेरी बाइक लाइट होगी, लेट्स सी। आज कहीं जाने का मूड नहीं है, आज सिर्फ बैठेंगे और एडिटिंग होगी। ज़रा ग्रिप भी कर लेगी ना। 26-30 करेंगे, 32 डबल वेट है ना। वैसे तो एक ही वेट है, सिंगल बंदे का ही वेट है, कंबाइन करें क्या करें। एक बड़े सिंगल बंदे का वेट। अरे ये तो बड़ा मज़े का लग रहा है। तो यार बारिश हो रही हो और क्या भी हो रहा। आप हमें रोक लें बारिश 6 महीने बाद कितना बन गया। थैंक यू सो वेरी मच, बेस्ट ही हो गया मैं कहता हूँ। ये जो है ना इंशाल्लाह कीजिए और हाँ रोल करने ही बात और बस प्लान करें फिर वापस आते ही एग्जीक्यूशन शुरू करें। मैंने कहा हमने लास्ट कोशिश की लेकिन 6 के 8 हो ही गए। बिल्कुल हो गए। वैसे मेरे लिए ये नई चीज़ थी, मैं इंडिविजुअली इसी तरह ट्रैवलिंग करता हूँ। जब दिल करे पता नहीं इसका जवाब समझ नहीं आ रही। लेकिन मैं सर बंदा से किसी वक्त भी आ जाता है। हाँ वो जिस दिन बस होगी जो इस तरह के आप जैसे बंदे हैं ना माशाल्लाह बड़े जो भी दिल के रास्ते से चलते हैं ज़्यादा तो वो रात भी चले तो माशाल्लाह ये भी तो दिमाग भी लगाते हैं आप माशाल्लाह बड़े इंटेलिजेंट है। दिमाग भी लगाते हैं, दिमाग लगाना पड़ जाता है जब सबसे ज़्यादा लेकिन आप दिल की बहुत ज़्यादा बात सुनते हैं माशाल्लाह जी। अच्छी बात है, इस तरह के जिस दिल से होते हैं अचानक आपकी बात फिर दिमाग को आता है फिर आगे नहीं जाएगा। चले भी जाए चला रहा है।
I'm all alone. Sound it. ये पानी कितना फ्रेश लग रहा है नहाने वाला. ओके देयर दे गो स्कर्दो व्यू पॉइंट होटल एंड हट्स. कमाल का होटल है, कमाल के लोग हैं यहाँ. और मेरा आज का स्टे यहाँ है. अब मैं कमरे में जाऊँगा एंड स्टार्ट एडिटिंग, जो कि सबसे ज़रूरी काम है. आज तक नहीं हो सका और इस टूर पे I'm trying my best to provide you guys with live kind of updates. Let's see how it goes. अकेला अब शुरू होता है असल सफ़र, जिसमें सिर्फ मैं हूँगा और सिर्फ मैं हूँगा. कपड़ा लटकाया मैं, कल ये गीला हो गया था, शूज़ भी पड़े हैं, सब कुछ पड़ा हुआ है, चीज़ें चार्ज हो रही हैं. भाई बहुत तेज़ हवा चल रही है और मुझे तो डर लग रहा है. चेक दिस आउट, हवा चल रही है वो रुक गई. अब ये सिर्फ पानी का शोर है और ये हर वक्त होता रहता है, रुकता ही नहीं है. एनीवेज आज का दिन रूम में बैठ के गुजार दिया. अभी मैं खाने का ऑर्डर दे के आ गया हूँ. एक वीडियो मैंने एडिट करनी है अभी. अभी मुझे एजाज भाई की कॉल आई सुबह 8:30 बजे के, वो लोग निकले और 6:53 हो गए और अभी उन्होंने KKH को टच किया है. 177 किलोमीटर करने के लिए उन्हें तकरीबन 10 घंटे लग गए. जो स्कर्दू का रोड है वो बन रहा है, 70% बन चुका हुआ है, 30% बन रहा है, जिसके लिए वहाँ ब्लास्टिंग होती है, ड्रिलिंग होती है और वो 3 या 4 दफ़ा 1.5-1.5 घंटे के लिए फंसे रहे हैं वहाँ. और एक तो ये शदीद अजीब सी खबर है और दूसरे नंबर पे सिंदूर का मौसम मैंने देखा है तो अगला रोज़ माइनस में जा रहा है टेम्परेचर और ट्यूज़डे को स्नो पड़ रही है और मंडे को 0 से -7 पे है, फिर 1 से -11, 0 से -11. तो मुझे तो ये भी टेंशन पड़ गई है कि मैंने सिंदूर को कैसे करना है और मैंने किधर से जाना है. सर्दियों में आना वाकई बहुत बुरा डिसीज़न है, हमेशा ही बुरा होता है, लेकिन इस दफ़ा कम से कम ये फ़ायदा हुआ कि दियोसा ही हो गया, स्कर्दू हो गया. अब मैं ये सोच रहा हूँ खपलू किया जाए, सुबह खपलू करने के बाद वापस आया जाए, वापस आके शिगर किया जाए, शिगर करने के बाद एक मिनट लेकिन मुझे भी सोचना है कि मैं क्या करूँ, किस तरह. साउथ में जाया जा सकता है, स्कर्दू तो हो गया, दियोसा ही हो गया, उसके अलावा स्कर्दू में जो मेजर अट्रैक्शंस थी वो हो गई हैं. और हुंजा जाया जा सकता है, लेकिन हुंजा में पहले गया हुआ हूँ तो कोई ऐसी ज़रूरी नहीं है कि उसे हाथ लगाना. मेरे दिमाग में से अजीब अजीब से ख्यालात चल रहे हैं, तो बड़ा टफ डिसीजन होगा. मैं S1 से जब नीचे उतरूँगा तो उस वक्त मुझे फैसला करना पड़ेगा कि क्या मुझे सिंदूर करना है या मैं बाबूसर से ही वापस चला जाऊँ और वापस जाके फिर वहाँ से पेशावर की तरफ निकलूँ और उस तरफ से फिर मैं कंटिन्यू करूँ KPK बलोचिस्तान और सिंध को और सिंदूर को मिस करवा दूँ, क्योंकि ये जो मौसम चल रहा है ये बहुत ख़तरनाक है. एनीवेज लेट्स सी, खाने का वेट करता हूँ, मीनवाइल थोड़ी सी एडिटिंग कर लेते हैं. इनकी रोटी वैसे अजीब सी होती है, मैदिश फीलिंग बीच में आ रही होती है. कल मैं खपलू जा रहा हूँ, सुबह मैंने जल्दी उठना तो इसलिए 8:00 हो चुके हैं. इंशाल्लाह 9 बजे तक मैं सामान पैक कर लूँगा सारा, होटल को सुबह छोड़ देंगे और आगे की तरफ निकल जाएंगे. सर्दी बढ़ रही है दिन ब दिन, मगर दोनों में एक आड़ है कि उससे तजावुज़ नहीं कर सकते. ये होटल वाले इतने अच्छे हैं, मैं क्या बताऊँ आपको. गरम दूध मैंने मांगा और गरम दूध आ गया.
बहुत मजा आ रहा है सर। ट्रैवलिंग में ना मूड स्विंग्स जो है ना बहुत रैपिड हो जाते हैं, ये मैंने हमेशा ही नोट किया, लेकिन इस दफ़ा आज तो बहुत ज़्यादा लग रहा है। शायद इसलिए भी कि पहले मेरे साथ एजाज भाई थे, बिलाल भाई थे, ये लोग थे तो शायद फील नहीं होता था अकेले होना, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा फील हो रहा था। कहाँ से, इधर से भी कॉल आ रही, उधर से भी कॉल आ रही, घर वालों की। मैं बेड यूज़ नहीं कर रहा, स्लीपिंग बैग के अंदर सो रहा हूँ। गर्म दूध पी लिया, घर वालों से बार बार बात हो गई, और अब बस सोना है। टाइम इज़ 9:18, अच्छी नींद नींद आ जाएगी। 6 बजे 5:30 बजे तक इंशाल्लाह उठने की कोशिश करूँगा। आज ऐसे ही था बस। दो में याद रखिएगा प्लीज़, थोड़ा सा सेटअप जो है ना वो हैवी चल रहा है इस टाइम, और बस ऐसे ही है। पहाड़ों में वहशत होती है और वो कुछ किसी को ज़्यादा महसूस होती है, किसी को कम होती है, तो मुझे तो शायद मैं इसीलिए यहाँ आता भी हूँ ताकि मैं अपना असल जो है ना उसको, मैं क्या हूँ मैं वो जान सकूँ। तो इंसान कुछ भी नहीं है, और बस उसकी रियलाइजेशन के लिए किसी को लंबा रास्ता लेना पड़ता है और किसी को छोटा। सी यू गाइस टुमारो विद अनदर वीडियो। तो जी न्यूज़ ऑफ द डे इज़, इफ़ यू कैन स्पेंड 20,000 रुपीज़ ऑन द रूम, खपलू फोर्ट इज़ ओपन फॉर यू। और अगर आपके पास होटल में रहने के पैसे नहीं है या आप नहीं रहना चाहते, पैसे हैं भी तो फिर भी फोर्ट आपके लिए बंद है।